कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो मैंने नहा लिया है। लेकिन नहाने के बाद फिर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करती थी कर रही थी, तो सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे रेडी हो रहे हैं अभी, तो फ़िलहाल अपने बैग वगैरह लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म निकाल रहे हैं। तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है घर में, बट एनीवेज हमें तो वही करना है जो डेली करना है, अपने को तो कुछ नहीं। मैं रात को एक्चुअली मैं ना ट्राई करती हूँ कि रात को ही ज़्यादातर अपने कामों को ख़त्म करके रखूँ, तो सुबह में इतना ज़्यादा बर्डन होता नहीं है मेरे पे। बहुत रेयर होता है कि कोई काम एक्स्ट्रा आ जाए, अदरवाइज़ तो मैं उस हिसाब से अपने कामों को लेकर चलती हूँ, फिर अपना टाइम से फ्री हो जाती हूँ। पहले तो प्रिपरेशन मैं रात को ही ट्राई करती हूँ कि करके रखूँ, लेकिन इन केस अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुबह ही करनी होती हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से पहले उठ जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती काम का कि नहीं लास्ट मोमेंट पे आके मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मुकेश को भी जाना है आज टूर पे, तो मैं फिर उसी हिसाब से उठ गई थी सुबह को कि सारे काम अपने टाइम से मैं अरेंज कर पाऊँ। और ये देखिए दिखाती हूँ एक चीज़, मेरे बच्चे ने क्या किया है, पूरी शर्ट पे ये इंक लगा ली। मैंने काफ़ी वॉश की, वैनिश भी लगाया था और इस पर नींबू भी लगाया, पेट्रोल से भी साफ किया, बट ये इतना ही हुआ। वो इंक ना ऐसे करके उसने डाल दी थी, तो सारी शर्ट और भी कई जगह निशान है, बट तो वो सामने आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं सुबह सुबह ही, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर ना मैंने रात को ये चने की दाल सोक कर दी थी। एक्चुअली बनानी तो थी मेरे को चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी, लेकिन फिर बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हमें लौकी की सब्ज़ी नहीं ले जानी है टिफ़िन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस दाल से मैं कुछ बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं ना अपनी इस दाल को अच्छे से वॉश कर लूँगी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनेगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को फुल देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो इस दाल को धोने के बाद मैंने कपड़े पे फैला लिया है अच्छी तरह, और मैं इसको थपथपाकर सुखा लूँगी, और इसको सूखने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और इसको करीब 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे, मैंने जब छोड़ा उसके बाद इसको मैं एक पैन में लूँगी और अच्छी तरह से इसको ड्राई करूँगी। तो पैन में लेने का रीज़न ये, इसको ड्राई ही करना है फ़िलहाल, तो इसको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। तो इसको चलाते रहना है धीरे 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 धीरे, इसको रोकना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दोगे तो ये नीचे से चिपक जाएगी आपकी। तो जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ किया है, एक्चुअली आजकल हम सेंधा नमक ही खा रहे हैं, तो बस मैंने वही यूज़ किया है। तो देखिए अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है इसमें, और नमक जो है चिपकेगा, तो नमक को भी साथ के साथ ही हमें हटाना है। और नमक पहले डालने का रीज़न यही था कि जिस टाइम दाल गर्म थी ना हमारी, तो उसी टाइम मैंने इसलिए डाल दिया था, जब मैं गर्म कर रही थी तो उस टाइम वो गीली थी, तो नमक उसमें अच्छे से अंदर तक ऑब्ज़र्व हो गया, तो इसलिए नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने अभी दाल को फोड़ के देखा था, तो दाल काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में, और वापस हम वही कढ़ाई चढ़ा देंगे, सॉरी पैन चढ़ा देंगे। और पैन को चढ़ाने के बाद मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी डालने के बाद मैं इसमें वापस से ये दाल डाल दूँगी, और इस दाल को थोड़ी देर भूनने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। तो इसमें मैंने डाला है अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा हींग ऐड किया है मैंने इसमें। तो हींग का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, और वैसे भी चने की दाल है तो थोड़ी हैवी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये घी अच्छे से इसके अंदर सोक ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा घी अच्छे से हो गया है, और ये दाल अब रियली बहुत बहुत टेस्टी लगती है, मार्केट से ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी बहुत है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इसको, चाहे चोट खा ले पर मानती नहीं है ना। मैं नहीं जा रही बेटा, बिना बात उछल रही है, क्या हुआ शोना, क्या हुआ, जाने डैडी साथ? हाँ शोना डैडी साथ जाएगा, बाश ये देखो रक्षा, तू जा रही है डैडी साथ? डैडी साथ जाएगी? होय होय कितना लाड इतना लाड लग जाएगी स्टिचेस में, चल चल नीचे, बस बस कटाई कर दूंगा।
मुकेश टूर पे चले गए हैं और अभी मैं घर पे अकेली हूँ, बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, तो बस आएंगे वो, फिर मैं उनको खाना पीना खिला के सुला दूंगी। तो बस अजीब हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ी तबीयत भी ना आज मेरी ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं व्लॉग में भी सामने से नहीं आई हूँ। थोड़ा तबीयत ऐसी लग रही है, और देखो मेरे को ना यहाँ पर फुंसी निकल आई है, ये बहुत पेन कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। पहले के मुकाबले मेरा फेस काफ़ी ठीक हो गया है, जब स्टार्टिंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे तब बहुत चेहरा ख़राब हो रहा था, अभी तो बहुत ठीक है। मेडिसिन ली थी और घर में साथ ही DIY कुछ यूज़ किए थे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये जो दाने थे ना बहुत सारे थे, ये कैसे मेरे ठीक हुए थे। अभी तो निशान भी नहीं है, अदरवाइज तो बहुत बुरे निशान थे। तो चलिए मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, अभी बच्चों के लिए लंच बनाना है मुझे। रोक्सी परेशान कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ। चलिए ठीक है, चलते हैं किचन में। अभी लंच में मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी और लेयर वाला पराठा। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, और ये जा रहे हैं ना, तो रोक्सी बड़ी एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए कि डैडी जाएंगे। ये सारे काम मैंने इनको दे रखे हैं। थैंक यू। ये शीजर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं इसी को शार्प कर रही थी, और इसको ना मैंने फॉइल पेपर को, ये मेरा यूज्ड फॉइल पेपर था, इसको कई फोल्ड करने होते हैं, और इसके बाद इसको आप कट करते रहोगे ना तो आपके शीज़र काफ़ी फाइन हो जाएगी। डिटेल में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि शीज़र को हम कैसे शार्प करते हैं, नाइफ़ के लिए भी एक बनाऊंगी कि नाइफ़ को कैसे शार्प करती हूँ मैं, तो मैं वही कर रही थी बस अभी। यहाँ पर ना मैंने मीशो से कुछ मंगवाया था, तो बस उसी की अनबॉक्सिंग चल रही है यहाँ पर, और ये गुड्डा के लिए कुछ सरप्राइज़ है, गुड्डा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो चलिए इसको, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तीन पैकेट हैं ये, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और गुड्डा सुपर एक्साइटेड है कि उसके लिए मम्मी ने मंगवाया क्या है आखिर। तो चलिए खोलते हैं इनको, जल्दी खोलो, जल्दी खुल जाए यार। खोलो, तुझे तो कैंची चलाने भी नहीं आती। जल्दी करो, जल्दी करो, इतना टाइम, जल्दी जल्दी। हाँ मुझे बताना जरूर कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ये क्या है? इसने ना मेरे को परेशान कर रखा था। चलो दूसरा खोलो, दूसरा खोलो। इसने मुझे परेशान कर रखा था, मैंने अनबॉक्सिंग करनी है। मैंने कहा कर चल, इसको लग रहा था मेरे लिए कुछ मंगाया है, तो पहली चीज तो इसके लिए नहीं है। अभी दूसरी देखते हैं, दूसरी इसके लिए है या नहीं है। जल्दी खोलो, जल्दी। क्या हुआ? चलो और तीसरा खोलो। अच्छा तीसरे तो पक्का तेरे लिए कुछ ना कुछ होगा। ये एक्चुअली मेरे किचन के लिए मैंने मंगाए हैं कुछ टूल्स जो मुझे लगने वाले हैं। ये मैंने सिंक के लिए मंगाया था, अभी मैं खोल के दिखाऊंगी क्या है। चलिए, ये तो मैंने मंगाया है जो मेरे जार होते हैं जिसमें हाथ नहीं जा पाते हैं, तो ये सिलिकॉन का है, उसको क्लीन करने के लिए, बॉटल्स वगैरह के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बाकी लेट्स सी इसका रिजल्ट जो भी होगा मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो एक तो मैंने ये मंगाया था, दूसरा मैंने मंगाया है ये, और ये दिखाती हूँ मैं, इस टाइप का है कुछ। इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी सॉरी काफ़ी अच्छी है, और ये ना कैचर टाइप का है। मैं दिखाती हूँ, जैसे हम इसको यहाँ से ऐसे पिस्टन को पुश करेंगे ना, इसको हम यहाँ ऐसे पुश करेंगे तो ये यहाँ पे अंदर जाके ओपन हो जाएगा, और जो भी इसमें बाल वगैरह आपके शिंक में होते हैं, देखो ये इसके अंदर है, ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये आपके बालों को ना कैच कर लेंगे और उनको बाहर खींच के ले आएंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम रहती है ना वॉश बेसिन में या सिंक में बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी नाली ब्लॉकेज हो जाती है, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी इसका भी क्या रिज़ल्ट होगा। ये देखिए, ये ऐसे खुल के बाहर आ जाता है,
अंदर ऐसे इसको इंसर्ट करेंगे पहले वॉश बेसिन के अंदर, जब मैं पहली बार करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद पिस्टन को यहाँ से पुश करेंगे और पिस्टन को पुश करते ही ये ऐसे बाहर निकल आएगा, और फिर जब आप इसको बंद करेंगे तो जो आपके बाल वगैरह होंगे, कचरा होगा, वो सब इसमें आ जाएगा और आप इसको निकाल सकते हो। तो इसको मैं यूज़ करूँगी तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने ये ब्रशेज मंगाए हैं, ये ब्रशेज आपने मुझे किचन में यूज़ करते हुए देखा होगा, ये कॉपर के हैं, ये आयरन है और ये प्लास्टिक है। किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको क्लीन करनी होती हैं, वहाँ आपकी फिंगर नहीं जा सकती, हाथ नहीं जा सकता, तो उसके लिए। और ये 6 का कॉम्बो था तो मैंने ये 2 सेट मंगाए, 6 का कॉम्बो था, ये 3 है और 3 है, बट एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मैंने ये 2 कॉम्बो मंगाए तो मुझे 12 आए हैं ये। तो ठीक है, एक साल मेरे आराम से चल जाएंगे, क्योंकि महीने में एक ये ख़राब हो ही जाता है कितना भी आप कर लो। प्लास्टिक वाले तो कम होते हैं, ये वाले मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गैस पे कई बार होता है ना मॉइस्चर वगैरह जम जाता है, उसको क्लीन करने के लिए या कॉर्नर्स क्लीन करने के लिए आपको हार्ड ही चाहिए होता है। तो ये मैंने मंगाए हैं, ये 12 हो गए, 3 ये हैं और 3 ये हैं, सेम ये 3 ये हैं और 3 ये हैं। तो इनको तो आपने मुझे यूज़ करते हुए बहुत बार देखा होगा, तो प्लीज़ बताइएगा आज का मेरा व्लॉग, मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और अगर आपको ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इन सब में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे भी बस मोटिवेशन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।